Assalamualaikum वाजेस नासरीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात कर रहे हैं एक नई प्रोडक्ट के ऊपर। ये नई प्रोडक्ट जो है वो एक हफ्ता पहले हमने अपने क्लिनिक के अंदर जो है वो बनाई है और बड़ी अहम प्रोडक्ट है, बड़ी अहमियत की हामिल प्रोडक्ट है और इंशाल्लाह ताला ये प्रोडक्ट आपको मायूस नहीं कर पाएगी। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको कोई भी दवाई जिनसी हवाले से जो है वो कोई भी असर नहीं करती, जिन लोगों को जो है वो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि भाई आपको जो है वो पीनाइल इम्प्लांट करवाना पड़ेगा, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आपको जो है वो सेकंड लाइन ऑफ थेरापी यानी कि किसी न किसी प्रोसीजर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, आपको जो है वो पी शॉट करवाना पड़ेगा, आपको जो है वो शॉक वेव थेरापी करवानी पड़ेगी, आपको जो है वो एक्सोसोम थेरापी जो है वो करवानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये खुशखबरी बताने जा रहा हूँ कि इस कंडीशन के अंदर आप जो है सेकंड लाइन थेरेपी की तरफ न जाएं। भले आपके ऊपर जो है वो वायग्रा ने असर करना छोड़ दिया है, भले आपके ऊपर जो है वो सियालिस ने असर करना छोड़ दिया है, भले आपके ऊपर जो है वो लेविट्रा ने असर करना छोड़ दिया है, तो आप जो है वो ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके नफ्स के अंदर जो लीकेज होगी, आपके नफ्स के अंदर जो आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होगी, आपके नफ्स के अंदर जो खून नहीं आता और उस हवाले से जो है वो आपका जिंसी अमल करने के दौरान जो है वो शर्मिंदगी का सामना आपको करना पड़ता है, आप परेशान होते हैं, हजीमत का सामना करना पड़ता है, आपकी बीवी जो है वो आपसे बिल्कुल भी नाराज है इस वजह से, तो आप ये 3 महीने का कोर्स मंगवाएं। एक कैप्सूल है और उस कैप्सूल का नाम मैंने रखा है डोंकी पीनस। डोंकी पीनस नाम से आप समझ सकते हैं ये आपके नफ्स को जो है वो बिल्कुल भी डोंकी के नफ्स की तरह जो है वो बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, मोटा बनाएगा, लंबा बनाएगा, उसके अंदर जान जो है वो पैदा करने की इसके अंदर सलाहियत है, क्योंकि ये एलियोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक यानी कि तीनों टाइप्स ऑफ जो मेडिसिन हैं उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो इसके अंदर मिक्स की है, ताकि ये जब तीनों चीज़ें जो हैं वो साथ में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से जो है वो आपके सेक्स के हवाले से जो है वो एक तलातुम पैदा होता है, आपकी रिपेयर होगी, अगर कहीं भी वीनस लीक वगैरह होगी, अगर आर्टरीज जो हैं वो उसके काबिल नहीं हैं कि अब वो खून लेकर जो है वो आपके नफ्स की तरफ ले आए, और आपके जीनाइटल एरिया के अंदर जो एक पंपिंग स्टेशन होती है जिसमें बहुत सारे टिश्यूज एंडोथीलियल टिश्यूज वगैरह जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और खून को पंप करके आपके नफ्स की तरफ छोड़ते हैं, उनमें जो है वो पैरालिसिस हो गई है, फालिज डेवलप हो गया है शुगर की वजह से, तो उनको भी दोबारा जो है वो रीग्रोथ और रीजनरेट करवाने में जो है वो कैप्सूल डोंकी पीनस का बहुत ज्यादा तक आम रोल है। और इस कैप्सूल डोंकी पीनस के साथ साथ जो है वो आप इस्तेमाल करें मैक्समैन कैप्सूल। मैक्समैन भी आयुर्वेदिक कैप्सूल है और ये मैक्समैन कैप्सूल जो है वो एक सुबह और आपको एक शाम इस्तेमाल करना होगा, और कैप्सूल डोंकी पीनस जो है वो एक रात के टाइम पर आपको इस्तेमाल करना होगा। तो डोंकी पीनस लेने का तरीक़ेकार क्या है? डोंकी पीनस जो है वो आपको ज़्यादा तौर पर खाली पेट या खाने और डोंकी पीनस कैप्सूल लेने के बीच में जो है वो 2 घंटे का आपको वक्फा करना चाहिए, और डोंकी पीनस इस्तेमाल करने के बाद जो है वो सेक्स करने की कोई भी मुमानियत नहीं। आप इसके इस्तेमाल करने के बाद रोज़ाना भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, रात में 2 बार भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो उसकी कोई भी मुमानियत वगैरह नहीं है। और ये जो है वो 3 महीने का कोर्स होगा। डोंकी पीनस जो है इसका जो 30 कैप्सूल्स का जो कोर्स है 1 महीने का, वो 12,000 में आपको पड़ेगा, और वैसे ये 3 महीने का कोर्स इस्तेमाल करना होगा। और मैक्समैन कैप्सूल जो है वो ये 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम रोटी के ऊपर, और ये भी जो है वो 3 महीने तक आपको इस्तेमाल करना होगा। इससे साइज भी बेहतर होगी, मोटापे में भी इजाफा होगा, और उसके साथ साथ नफ्स के अंदर तनाव, अकड़ाव, ईसादगी वगैरह के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तक बेहतरी आएगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।